तो आज की वीडियो में दोस्तों जो Android 14 का लेटेस्ट अपडेट है आपके Moto Edge 40 Pro वाले डिवाइस पे कब देखने को मिलेगा और इसमें हेलो UI जो रिसेंटली जाकर के Moto Edge 50 Pro डिवाइस पे अगर आप लॉन्च हुआ है तो क्या हमें जो है ना Edge वाले 40 डिवाइस पे भी मिलेगा ये प्रो वाला जो भी वर्जन है, तो सारा चीज डाउट आपको जो है ना आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा एंड आपको Android 14 का अपडेट कब देखने को मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो फाइनली बात कर लेते हैं Android 14 जाके लेटेस्ट नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मेरी चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैं Motorola का Edge 40 डिवाइस पे ऑलरेडी Android 14 का अपडेट कुछ लोगों को दे दिया गया है एंड इसका जो है टेस्टिंग वगैरह अभी चल रहा है, यानी रिव्यूज वगैरह चल रहा है, जितने भी बग्स वगैरह प्रॉब्लम्स आ रहा है जिसके बारे में आपको रेगुलरली बताते रहता हूं। चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपको भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये सभी इश्यूज वगैरह अभी रिपोर्ट करा जा रहा है Motorola के टीम से एंड करीबन 2 हफ्ते के अंदर में आई एम श्योर कि इसका जो भी दिक्कत प्रॉब्लम बग्स वगैरह काफी हद तक फिक्स हो जाएगा एंड इसके बाद में आपको लेटेस्ट Android 14 का अपडेट अप्रैल महीने के एंड तक आपके Moto Edge 40 Pro के डिवाइस पे देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो अपडेट हमें आएगा क्या वहां पे हेलो UI मिलेगा, क्योंकि Moto Edge 50 के ऊपर में नया लॉन्च हुआ है वहां पे हेलो UI दिया गया, बट इसका भी क्लियरली Motorola ने अपडेट दे दिया है कि यहां पे जाकर के आपको हेलो UI का कोई भी एग्जिस्टिंग जो भी पिछले साल का सेल्स हुआ है जो भी डिवाइसेस है 2023 या उसके पहले में अभी फिलहाल के लिए हेलो UI को नहीं दिया जाएगा। यहां पे जो माई UX वर्जन है जो कि 14th वाला वर्जन है बेस्ड रहेगा Android 14 के ऊपर में, वही देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो दोनों ही Android 14 के ऊपर में जो माई UX है और जो अपना हेलो UI है दोनों ही Android 14 पे, बट कुछ AI के फीचर्स जाकर के आपको जाकर के हेलो UI पे मिलता है और वही माई UX पे वो सभी फीचर्स नहीं मिलता है। बट कंपनी का यह भी लीक्स एंड रूमर से कहना है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में हो सकता है कि आपको सभी एग्जिस्टिंग डिवाइस पे हेलो UI मिलेगा, बट अभी से फिलहाल तो ऑफिशियली कोई भी कंफर्म नहीं है एंड शायद हो सकता है 3-4 महीने के बाद ही इसके अपडेट हो सकता है एंड क्योंकि कंपनी देखो दो UI का मेंटेन करने के लिए खर्चा नहीं इस्तेमाल करेंगे और कोई पॉइंट भी नहीं है और कस्टमर्स लोग भी इससे नाराज हो जाएंगे, तो इनका शायद हो सकता है कि प्लान पहले कुछ नए डिवाइसेस को सेल करके पुश कर ले, AI का थोड़ा जो रूमर्स चल रहा है जो तहलका चल रहा है उससे थोड़ा कमाई कर ले, उसके बाद में धीरे धीरे चीजों को कॉम्पिटेबल करके एग्जिस्टिंग डिवाइस पे रिलीज करा जाए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको जो है ना ये दोनों डाउट क्लियर हो जाएगा एंड अगर आपको एंड्रॉइड अपडेट होने के बाद में कैसा फोन का एक्सपीरियंस है, क्या दिक्कत प्रॉब्लम वगैरह उन सभी चीजों के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन पे है एंड ब्लॉग वाली चैनल पे फॉलो कर लेना, तगड़ी लेवल की चीजें वहां पे भी बताते रहता हूं एंड एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक करना वीडियो यहां तक देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड कमेंट सेक्शन में आपको कौन से फोन के बारे में जानना है एंड कोई सा भी और भी डाउट है एंड 14 के रिगार्डिंग, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन